जिन है ये केसेस एजुकेशन की जो और डीवीडी सीरीज़ जो स्टार्ट की है, इसमें जो डीवीडी सीरीज़ से जो पिक्चराइज होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है बाई डीवीडीज, वो हेल्पफुल है इसलिए क्योंकि इससे लोगों के दिमाग में जो है एक पिक्चर सेटअप हो जाती है उसी कंसेप्ट की। आप मुझे ये बताइए इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा क्योंकि मैंने काफ़ी लेट काफ़ी कम टाइम था मुझे उस समय क्योंकि रिविजन बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, तो मैं तो मतलब एक साल पहले होता तब मैं बता सकता था और फ़ायदा कितना होता, लेकिन जो भी है कि थोड़े बहुत टाइम में जितना भी पढ़ा वो ये है कि ये बात अच्छी है इसमें कि ये टोटली जेई ओरिएंटेड ही पढ़ाता है, इसमें जेई और एटी ओरिएंटेड ही इसका सिलेबस रहता है, तो वो फ़ायदेमंद रहता है। जब आपने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया तो आपको समझ में आया सारे टॉपिक्स? नहीं, हाँ समझ में आया। प्लीज़ मेरिट्स को कुछ बोलेंगे? मेरिट्स में तो मैं यही कहूँगा कि जो वीडियो जो होती है मेन मेरिट यही है कि वीडियो मेन सेटअप हो जाता है और इसमें जो बुक्स में जो थोड़े एग्जाम्पल्स के तौर पर क्वेश्चन से वो भी सॉलिड है, वो अच्छे क्वेश्चन। अच्छा, आपने हमें एक जो अपना नोट्स लिख के दिया है डायरी में, उस नोट्स के साथ तो कुछ बोलना चाहिए? उस नोट में मैंने सब ये लिखा था कि सिलेबस के रेलिवेंट है सब कुछ इसमें और जो उसमें मटेरियल है वो एक्सट्रीमली मतलब कंसाइज है, जो एक्चुअल में होता है वही मटेरियल। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जैसे कि ये केसन्स एजुकेशन एक न्यू टेक्नोलॉजी लेके जो आ रहा है, ये है, कितनी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए? ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन ये हेल्पफुल इस हिसाब से है कि जो 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 आगे बच्चों के दिमाग में मतलब एक थोड़ा सा ये हो सकता है कि उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ सकता है, मतलब इससे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। आपका कहने का मतलब ये इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। नंबर दो चीज़, इसमें वो अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं ऐसा कुछ अपना कोर्स? नहीं, हाँ वो सब हो जाते हैं इसमें क्योंकि क्योंकि जो क्वेश्चन है वो थोड़े वैसे मतलब इनका जो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल है थोड़ा सा हाई अपर। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? पेरेंट्स, गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड गुड बुक्स। सेल्फ स्टडी कितनी ज़रूरी है? सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एक हमारे उसमें एक क्वेश्चन था कि IIT क्लियर करने के लिए या AIEEE क्लियर करने के लिए, UPTech क्लियर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सेल्फ स्टडी होती है, स्टडी बुक्स? आप किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना चाहें? बुक्स मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको किस पढ़ना चाहते हैं। आपका एम क्या है आगे IIT करने के बाद? अभी तो पहले तो पढ़ना ही करनी है, शायद से बीटेक करके उसके बाद फिर IAS के लिए। IAS 101% क्वालिफाई करेंगे आप? ओके।